एपिसोड 121 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। चैन बोलता है, मैं पिछले 5 दिनों से इस हेवन क्लाउड पैलेस में रह रहा हूँ और तुम मुझसे मिलने के लिए अभी तक बाहर नहीं आई हो। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलवाई तो मैं तुम्हारा पूरा क्लाउड हेवन पैलेस को तबाह कर दूंगा। तभी एक लड़की बोलती है, हे दोस्त, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? फिर वो बाहर आ जाती है, बोलती है, तुम्हें जो पूछना पूछ लो, लेकिन कुछ सवाल होंगे जिसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। चैन बोलता है, यहाँ का पूर्वज लोग कल्टीवेशन के लिए कहाँ गए हैं? ये हेविन का रास्ता कहाँ पड़ा है? वो लड़की बोलती है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। अगर इस रिल्म के बारे में दुश्मनों को पता चल गया तो बहुत ही मुसीबत आ जाएगा। चैन बोलता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? मैं तुम्हारे पूरे हेवन पैलेस को तबाह कर दूंगा और तुम्हारे कोड को निकाल कर तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी चैन अपना चेन निकाल कर उसे दिखाने लग जाता है। वो लड़की ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, तुम कब गोल्डन कोड लेवल में पहुंच गए? चैन बोलता है, तुम मेरे ताकत को कभी नहीं समझ पाओगी। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये मेरा एक सीक्रेट टेक्निक है, इसका इस्तेमाल करने के बाद मैं कुछ देर के लिए यून का गोल्डन कोड का ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर चैन बोलता है, अगर तुम मुझे हेविन का रास्ता बता दोगी तो मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तुम आत्मा से बॉडी बन जाओगी और हमेशा के लिए यहाँ पर रह सकोगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, बोलती है, क्या सही में? फिर वो अपने मन में बोलती है, मैं एक एपरेटिस की स्पिरिट हूँ, मैं यहाँ पर पिछले 10,000 साल से ये गेट का सुरक्षा कर रही हूँ। ये मेरा सपना है क्लाउड हेवन पैलेस से जाने का और मैं पूरी दुनिया घूम पाऊंगी इससे। फिर वो बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। प्राचीन काल में पृथ्वी बहुत ही बढ़िया था और यहाँ पर बहुत सारे इमॉर्टल सेंट और बहुत सारे भगवान भी रहते थे। पृथ्वी का ऑरा बहुत ही ज्यादा गहरा था, लेकिन अचानक से पृथ्वी में बहुत अजीब सा चेंजेस होने लग गया और सभी ऑरा धीरे धीरे कम होता रहा, क्योंकि पृथ्वी में एक अजीब सा ट्रेजर निकला जिस कारण वो सभी एसेंस को सोखने लग गया पृथ्वी का। वो ट्रेजर को पाने के लिए सभी इमॉर्टल और स्प्रिट एक दूसरे पर हमला करने लग गए और आगे चलकर इतिहास में ये बैटल का नाम पड़ा द फॉलन इमॉर्टल। ये युद्ध खत्म होने के बाद दूसरे ग्रह के लोग पृथ्वी पर हमला कर दिए वो ट्रेजर को पाने के लिए। इसी कारण जो बचे हुए इमॉर्टल थे वो अपना ताकत का इस्तेमाल करके गेट बनाकर यहाँ पर आ गए। ये रहा हेविन का रास्ता। चैन बोलता है, ठीक है, मैं जैसा प्रॉमिस किया था मैं कल तुम्हें बता दूंगा। फिर वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता अपना। फिर वो आधा महीने के बाद कल्टीवेशन रूम से बाहर आ जाता है और बोलता है, मेरा सभी घाव पूरी तरह से ठीक हो गया है, अब मुझे हेविन का रास्ता जाकर देखना होगा। फिर कुछ देर में चैन स्काई कैपिटल में आ जाता है। जुहार चैन को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, मास्टर। फिर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, मास्टर, बहुत ही अलग लग रहे हो आप। चैन बोलता है, मैं पहले से बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ ना? तुम लोग पूछ रहे थे ना हेविन का रास्ता कहाँ पड़ा है, ये रहा। यू बोलती है, ये हेविन का रास्ता। चैन बोलता है, प्राचीन काल का कल्टीवेशन का फॉर्मेशन इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, मैं ये दीवार को आराम से तोड़ सकता हूँ। वी बोलती है, सर, अब हेविन के रास्ते में चले जाओगे? चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, फायर स्पिरिट किंग ये कुंजो किंगडम को संभालेगा, मैं वहाँ पर सिर्फ देखने जा रहा हूँ। हट जाओ, मुझे फॉर्मेशन स्टार्ट करना है। चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर वो दोनों हट जाती है, लेकिन यंजू वहीं पर खड़ी होती है। चैन बोलता है, मैं वहाँ पर सिर्फ देखने जा रहा हूँ, उसके अलावा हेविन का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यंजू बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। चैन बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें आना तो आओ, यह ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता ये इतना खतरनाक होगा। फिर कुछ देर के बाद वो लोग हेविन के रास्ते की ओर निकल जाते हैं। यंजू बोलती है, सही में ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। चैन बोलता है, इतने सारे स्टार है यहाँ पर तो इसका मतलब हम लोग गैलेक्सी के बीच में है, अगर हम लोग सावधान नहीं रहे तो हम लोग यहाँ से गिर सकते हैं। मैं अपना डिवाइन बॉडी और ट्रेजर से 2 से 3 साल तक जी पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा बॉडी टुकड़े में बिखर जाएंगे और तुम यहीं पर मर जाओगी। यंजू बोलती है, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती हूँ तुम मुझे मरते हुए देख सकोगे। यंजू बोलती है, आगे देखो क्या है वो। चैन बोलता है, ये खाली पड़ा हुआ स्टेशन है, ये शायद सोलर सिस्टम के बाहर वाला जगह होगा। यंजू एक स्कल को देखकर चैन को गले लगा लेती है और बोलती है, चैन वहाँ देखो क्या है। चैन बोलता है, लगता है कि ये दूसरा दुनिया का कोई बीस्ट है, प्राचीन कल्टीवेटर कुंजु किंगडम को छोड़कर यहाँ पर आ गए, लेकिन उन्हें कभी नहीं लगा होगा कि गैलेक्सी के बीच में उनका सामना ये बीस्ट लोगों से होगा। ये जगह तो वो कल्टीवेटर लोग का शमशान है। यंजू बोलती है, ये दूसरा दुनिया का बीस्ट है, ये लोग कितना बड़ा होंगे और ये लोग दिखते में कैसे होंगे? चैन बोलता है, तुम्हें कुछ देर के बाद पता चल जाएगा। तभी एक बीस जमीन से बाहर निकल आता है। चैन बोलता है, ये तो एक प्रेडेटर है। यंजू यहाँ से हिलना मत, ये थंडर सेल तुम्हारी रक्षा करेगा। यंजू बोलती है, ठीक है, संभल के जाना। फिर चैन उड़ते हुए वो बीस के पास चला जाता है। चैन अपने इमॉर्टल थंडर ब्लेड से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो बीस को कुछ भी नहीं होता है। तभी वहाँ पर और भी ज्यादा बीस बाहर आ जाते हैं। यंजू घबराते हुए अपने मन में बोलती है,
ओ नहीं, चैन का हमला से तो इसे कुछ भी नहीं हो रहा है और अभी तो शेर निकल आए हैं। क्या चैन अब खतरे में है क्या? तभी वो भी चैन को घेर लेते और बोलते हैं, ये कल्टीवेटर है, ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगा। फिर वो चैन के सीने को फाड़ डालता है। फिर वो लोग बोलते हैं, इंसान हार मान लो, हम लोग तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। चैन बोलता है, तुम सभी के दुश्मन हो, मैं तुम्हारे बात पर कभी भी भरोसा नहीं करूंगा, मैं तुम सभी को अपना नया खिलौना दिखाता हूँ। फिर वो अपने आप को रिकवर कर लेता और बोलता है, इमॉर्टल ब्लेड का तीसरा स्टाइल शैटर वाइड। वो लोग चिल्ला के बोलते हैं, धत तेरी की, भागो यहाँ से। लेकिन चैन के हमले से बहुत सारे बीस लोग कट जाते हैं। तभी एक बीस बोलता है, इंसान अब तुम मरोगे। फिर वो अपने आग से चैन पर हमला कर देता है। चैन उसके आराम से हमले को रोक देता है, बोलता है, तुम एक बार और कोशिश करो, रॉक बाहर आ जाओ। फिर वो बाहर आकर वो बीस को निकल जाता है। चैन बोलता है, अभी भी मौका है, हार मान लो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर वो एक बीस को मार डालता है और बोलता है, अब बताओ तुम्हारे क्लाइंट का लोकेशन कहाँ पर है, प्राचीन कल्टीवेटर को मारने का तुम्हारा क्या मकसद है। बीस बोलता है, इंसान तुम्हें क्या लगता है, हम लोग तुम्हारे सामने हार मान लेंगे। फिर वो अपने आप को तबाह कर लेता है। चैन बोलता है, ये खुद के इमॉर्टल सोल को तबाह कर दिया। फिर वो सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके सभी खोजने लग जाता है। फिर कुछ देर में वो यंजू के पास आ जाता है। यंजू बोलती है, चैन क्या हमें अभी ऐसे ही जाना होगा क्या आगे? चैन बोलता है, मैं जा सकता हूँ लेकिन अभी मेरा कोई और प्लान है। फिर वो अपने मन में बोलता है, लीडर अपने आत्मा को तबाह कर दिया है तो इसका मतलब ये लोग एक छोटे से ग्रुप है, प्राचीन कल्टीवेटर के पीछे और भी बहुत सारे प्रेडेटर होंगे। मैं हेविन के रास्ते जाऊंगा, मुझे पक्का लगता है कि वो लोग मेरे सामने आएंगे ही। यंजू बोलती है, फिर हम लोग क्या करें? चैन बोलता है, अभी हम लोग को कुंजू किंगडम में जाना होगा और अपने कल्टीवेशन को और भी मेहनत करके प्रैक्टिस करना होगा, तभी मैं हेविन के रास्ते में जा पाऊंगा। फिर वो वापस कुंजू किंगडम में आकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। फिर 3 साल के बाद उसका कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाता है और बोलता है, 3 साल का ट्रेनिंग करके मेरा डिवाइन बॉडी पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, अब मैं आराम से स्पेस में घूम सकता हूँ पूरा जिंदगी के लिए। अब मैं आराम से 1000 सालों तक जिंदा रह पाऊंगा और मरने के बाद मेरा शरीर कभी सड़ेगा नहीं। ये 3 साल में मेरा कल्टीवेशन लेवल 2nd लेवल में पहुंच गया है, अब मेरा कोर सॉलिड हो चुका है। दूसरी तरफ सभी लोग चैन का स्वागत कर रहे होते हैं। स्प्रिट किंग बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ ये 3 साल में आप किस लेवल में पहुंच गया है? चैन बोलता है, मैं अभी तक गोल्डन कोर लेवल में पहुंचा नहीं हूँ। हेविली इमॉर्टल बनने के लिए अभी मुझे बहुत ही ज्यादा देर है, अगर यहाँ पर हेविली इमॉर्टल भी आ जाए तब भी मैं अपने हाथों से उसे हरा दूंगा। फिर सब लोग बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। यंजू बोलती है, चैन जबकि तुम अपना कल्टीवेशन लेवल पूरा कर लिए हो, क्या तुम हेविन के रास्ते में जाओगे क्या? चैन बोलता है, नहीं, हेविन का रास्ता कोई छोटा बात नहीं है, अगर मैं वहाँ पर गया तो मैं लंबे समय तक फंस जाऊंगा, मुझे उससे पहले पृथ्वी में जाना होगा। फिर वो लोग गेट में आ जाते हैं। स्पिरिट किंग बोलता है, ये गेट अभी तक स्टेबल नहीं है, अगर आप ऐसे ही चले गए तो आपका बॉडी पूरी तरह तबाह हो जाएगा। चैन बोलता है, ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। यंजू, क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी? यंजू बोलती है, पृथ्वी में तुम्हारा बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुंजू में मैं तुम्हारे इंतजार करूंगी। चैन बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, जब मैं कुंजू में पहली बार आया था मैं अपना जिंदगी खो ही दिया था, लेकिन इस बार बहुत ही अलग है। फिर कुछ देर में वो पृथ्वी में पहुंच जाता है और बोलता है, पृथ्वी को छोड़ा हुआ मुझे बहुत साल हो गया है, ये बहुत ही अजीब है। ये इमॉर्टल ब्यूरियल वैली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पर कुल्लून और नॉर्थ ज्वेल सेक्टर के कुछ लोग होते हैं यहाँ पर नजर रखने के लिए, लेकिन यहाँ के सभी लोग कहाँ चले गए? यहाँ का हालत देख के लग रहा है यहाँ पर बहुत ही बड़ा बैटल हुआ होगा, इस इमॉर्टल ब्यूरियल वैली में मुकाबला हुआ है। क्या दूसरा प्लानिट के लोग यहाँ पर हमला कर दिए है क्या? यहाँ पर हर जगह मुकाबले का निशान है, इन सालों में पृथ्वी में क्या हुआ था? फिर वो आगे बढ़ते हुए देखते हुए अपने मन में बोलता है, सही में कुछ तो बहुत ही गलत है, पृथ्वी के जानवर इतना बड़ा और ताकतवर कैसे हो सकते हैं? पृथ्वी का खाना का दाम भी पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, वो लोग अब गन का इस्तेमाल करते हैं वो जानवर से बचने के लिए। तभी वो एक बिल्डिंग के ऊपर चल जाता है। वो आदमी बोलता है, हे तुम कौन हो जो तुम मुझे परेशान कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं बाजी सेक्टर का हुआ हूँ। चैन बोलता है, तुम बाजी से हो, क्या तुम हुआ डोंगली को जानते हो क्या?